हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं हम लोग आसियान और भारत के बारे में। आपको बता दें, अभी प्रधानमंत्री थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 16वें भारत आसियान सम्मेलन को संबोधित किया है, तो उसी से संबंधित ये हमारा एडिटोरियल है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 16वें भारत आसियान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे हिंद प्रशांत नज़रिए का अहम हिस्सा है और आसियान इसके केंद्र में है। हालांकि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान देशों की भू राजनीतिक और सामरिक स्थिति इस बात पर बल देती है कि नई दिल्ली इन देशों के साथ मजबूत रिश्ता रखे। इस क्षेत्र में चीन अत्यधिक सक्रिय है और लगातार अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। चीन के वर्चस्व बढ़ाने के प्रयासों को प्रभावहीन बनाने और इस क्षेत्र में संतुलन कायम करने की दृष्टि से भारत का आसियान देशों के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत करना अति आवश्यक है। भारत का आसियान के सदस्य देशों के साथ जमीन, वायु और समुद्री संपर्क बढ़ाने से क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आसियान 10 देशों का समूह है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया इनमें शामिल हैं। याद रखिए, भारत इसमें शामिल नहीं है और ना ही चीन इसमें शामिल है। भौगोलिक रूप से सभी देश भारत चीन दोनों के करीब हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वियतनाम को छोड़कर ज़्यादातर आसियान देश भारत के ज़्यादा करीब हैं। भारत अपनी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान देशों के साथ जुड़ कर अपने आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आसियान के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया था। सभी राष्ट्राध्यक्ष गणतंत्र दिवस पर उपस्थित भी हुए थे, जो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की पहचान की तस्दीक करता है। इस 16वें भारत आसियान सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर यह माना जा सकता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को आसियान नेताओं ने पहली बार रेखांकित किया है। भारत को चाहिए कि आने वाले समय में इस संगठन को एकीकृत और आर्थिक रूप से गतिशील बनाने की दिशा में आने वाली बाधाओं से आसियान नेताओं को अवगत कराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि वह एकीकृत और आर्थिक रूप से गतिशील आसियान भारत के हित में। चलिए, ये था महत्वपूर्ण एडिटोरियल।